आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज जो मेरा ट्रैक रहेगा वो स्किब्बा टू रिब्बा। और ये देखिए जिस तरह से जो सामने जो रोड है ये NH05 है, ये PO से आता हुआ रोड, और जो यहाँ से परे जा रहा है ये काजा के लिए रोड। बाकी अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लिंक है NH से, लिंक आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बोर्ड भी दिख रहा है आपको। बाकी यहाँ से अब हमारा ट्रैक स्टार्ट है। बहुत ही बढ़िया दृश्य है रिब्बा में। यहाँ पर दुन चार रंग किन्नर क्लास ट्रैक भी यहीं से है। एक तो आपके वाया तंगलिंग है, दूसरा ट्रैक हमारा यहाँ से है। यहाँ से काफ़ी बढ़िया ट्रैक है, काफ़ी ब्यूटीफुल एडवेंचर है। ये देखिए वेलकम टू रिब्बा। ये ऊपर जो बना हुआ ये जो अंगूर की पत्तियाँ होती है वो है ब्लैक ग्रेप्स पाए जाते हैं यहाँ। अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ट्रैक है, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है। ये लगभग 20 मिनट का ट्रैक है। बाकी रिब्बा के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ ये लार्जेस्ट विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट रिब्बा, फेमस फॉर ग्रेप्स एंड एप्पल्स। और यहाँ पर टूरिज्म को भी हम ज़रूर रोल देंगे, हम क्या आप लोग सारे, हम सब मिलकर। बाकी यहाँ पर हमारे ट्रैकिंग के लिए जो किन्नर कैलाश के जो नीचे ट्रैक है वो हमारा दुनचारंग है। फिर दुनचारंग के बाद हमारा कुरपो है, कुरपो के बाद छुएन, बाटो, शिवोलिंग, मतलब काफ़ी बढ़िया बढ़िया ट्रैक है। फिर आपके स्किब्बा की तरफ भी आप जा सकते हैं, जहाँ पाना सबसे अच्छा ट्रैक है उसके ऊपर चौकरंग, जो कैलाश नगरी कहा जाता है चौकरंग, काफ़ी टफ ट्रैक है। और ये देखिए हमारा जो अभी अभी कुछ ही मिनट हमारे को चल के हुए। बाकी ये देखिए हमारा ट्रैक स्टार्ट होता हुआ। और ये जो रोड जा रहा है ये अभी लेटेस्ट अभी बना नहीं है, ये स्किब्बा के लिए जा रहा है। स्किब्बा गांव है, उसी के साथ रिब्बा। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये रिब्बा विलेज है, काफ़ी बढ़िया विलेज, काफ़ी सुंदर दृश्य। और ये देखिए हम अपना ट्रैक को कैरी ऑन करते हैं। और ये देखिए ये रोड रिब्बा के लिए अभी थोड़ी देर में ही ऊपर मिलेगा, पर हम यहाँ से शॉर्टकट लगाएंगे। ये है शॉर्टकट। चलो बर्फ़बारी में ट्रैक करने का भी छोटा छोटा ट्रैक करना चाहिए। अब जैसा जिस तरह से मैं आप लोगों को रिब्बा ले जा रहा हूँ, स्किब्बा टू रिब्बा। अभी ये देखिए जो आपके सामने है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे लंबा पुल है, अकबर ब्रिज। अभी पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, कोना ही दिख रहा है इनका, दूसरे छोर नहीं दिख रहा है। और पहले ये लकड़ी का पुल होता था, काफ़ी बढ़िया पुल है, काफ़ी मजबूत पुल है। 3-4 बार इस सतलुज रिवर में फ्लड आया, फिर भी ये पुल वैसा ही है। अभी किसी कारणवश रोड परे वाले पुल से कर दिया है। और देखे सामने पर्वत श्रृंखला है, कितनी ब्यूटीफुल है। ये किन्नर कैलाश रेंज से भी काफ़ी ऊपर है, ये मोरंग की पहाड़ियाँ दिख रही है। और देखिए बाकी अभी हमारा ट्रैक छोटा सा ही स्टार्ट हुआ है। ये देखिए मैंने शॉर्टकट लगाया, गाड़ी वाले इस रोड से चले हुए, अभी आएंगे थोड़ी देर में, बाकी आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए लिंक रोड के साथ ये शॉर्टकट जहाँ से मैं आया, ये यहाँ लिंक रोड के साथ मिलता हुआ। मेरी प्लानिंग यही है कि मैं आज ये रोड बाय रोड ट्रैक करूँगा। छोटा सा ट्रैक है जिस तरह से आपको पहले बताया, 15-20 मिनट का। और यहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा। ये जो रोड है, ये जो चढ़ाई है अभी थोड़ी देर में आपके सामने जो होगी, काफ़ी स्लिपी है, बर्फ़ में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। ये देखिए मैं इस चढ़ाई की बात कर रहा था, ये काफ़ी टफ चढ़ाई प्लस उतराई है।
ये देखिए, बाकी ये देखिए स्किब्बा गांव, ये हमारा स्किब्बा गांव, ये जो आपके कैमरे के सामने है वो स्किब्बा है, और छोटे छोटे रारंग है। ये सामने जो गांव दिख रहा है अकपा, और ये देखिए शायद ये पिकअप रिब्बा के लिए जाती हुई, और ये देखिए टाटा बाय कर दिया मैंने भी इनको। हाँ, जिस तरह से ये चढ़ाई मैं बता रहा था बर्फ़बारी में, अभी तो PWD ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसमें मिट्टी माटी लगा दिया है। बाकी ये देखिए NH05 सतलुज रिवर के साथ साथ चलता हुआ, और इसी सतलुज रिवर के साथ NH05 के साथ रिब्बा जो आपके सामने है। बाकी ये हम चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। और देखिए चढ़ाई भी अभी मैंने कंप्लीट की है, चढ़ाई खास नहीं है फिर भी थोड़ा सा चलने का है। अब यहाँ से देखिए क्या व्यू दिख रहा है आपको स्किब्बा गांव का, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका स्किब्बा गांव, ये देखिए बहुत ही सुंदर, अति सुंदर दृश्य, मन भावुक हो जाता है इन चीज़ों को देखकर। और ये देखिए सतलुज साथ साथ चलती हुई NH05 के साथ, और देखिए यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य स्किब्बा गांव का। बाकी अब हमें चलना होगा रोड बाय रोड। हाँ, जिस तरह से मैं बोलना चाह रहा था आपको कि ये तो छोटा सा एक ट्रेलर समझिए आप इस चीज़ को, बाकी हेवन ऑफ अर्थ तो ट्रैकिंग और कैंपिंग में ही आप लोगों को फील होगा उस चीज़ का। बाकी ये तो मैं आपको छोटा सा एक व्यू दिखा रहा हूँ जिस किस तरह से आप रिब्बा गांव पहुँच सकते हैं स्किब्बा से। बाकी हमारा दृश्य तो अद्भुत ही है बर्फ़बारी की वजह से, देखिए काफ़ी सुंदर दृश्य। गाड़ियों की रफ्तार चली हुई है, सारे अपने अपने एंजॉय करते हुए। ये देखिए अद्भुत नज़ारा है, ट्रैकिंग का भी अपना ही रोल है, अपना ही आनंद है, और बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ये देखिए आपके सामने अद्भुत दृश्य, हम रिब्बा के काफ़ी नज़दीक, लगभग 10-1 मिनट का और रन है, बाकी आपके सामने ही है पैदल ट्रैक। यहाँ से देखिए अद्भुत नज़ारा, अति सुंदर पहाड़, ये जो नीचे रोड दिख रहा है आपको NH05 है। यहाँ से हम आए और इस तरफ से हमारे को जाने का है, ये है रिब्बा के लिए रास्ता रोड बाय रोड। एक और गाड़ी आती हुई रिब्बा के लिए, काफ़ी रश है आज शायद रिब्बा में। और ये देखिए मेरे को लिफ्ट दे रहे थे, बाकी धन्यवाद गुरुजी का, आज हमने 11 नंबर की गाड़ी ही चुनी है क्योंकि आप सब सब्सक्राइबर को हमारे विलेज की जानकारी देनी है, रिब्बा पहुंचाना है, ताकि आप लोग भी आए और इस यहाँ के, अभी तो ये गांव के अंदर ही तक ही हम पहुंचेंगे, बाकी जो असली व्यू है ये आपको मई तक भी यहाँ बर्फ़बारी का नज़ारा मतलब ट्रैक कर सकते हैं बर्फ़ के बीच में, स्नो के बीच में। बाकी ये अब कुछ पल ही दूर रिब्बा पहुंचने के लिए, और हम रिब्बा के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं,
काफ़ी बर्फ़बारी देखिए, आप ही देखिए, कम से कम 1-1.5 फुट तो ये बर्फ़ होनी। बाकी जेसीबी ने यहाँ पर बर्फ़ रोड साफ़ कर दिया है। चलो आपको थोड़ा सा यहाँ का, यहाँ से नीचे का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए वही पुल जिसको आपको, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दिया था, और एक कैंची जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी, पर्वत श्रृंखलाएँ। और ये देखिए यहाँ से ये NH-05 दिखता हुआ, सतलुज रिवर दिखती हुई, इसके बगाँव लगभग दिखता हुआ। मौसम भी आज थोड़े बादल जैसे हैं। और ये देखिए हमारे सामने रिब्बा गांव स्टार्ट होता, रोड से चलते रिब्बा का पहला गांव, सॉरी पहला घर। ये देखिए यहाँ है पहला घर रिब्बा का, ये देखिए शायद मेरे ख्याल से एक और गाड़ी आती है अभी विद हॉर्न के साथ। रोड खुला होने के कारण काफ़ी यात्री अप डाउन कर रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा रिब्बा गांव का, और बहुत ही नज़दीक, लगभग हम रिब्बा गांव पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ से ऊपर का नज़ारा भी कुछ और है रिब्बा का। ये देखिए ये जो सबसे ऊंची चोटी दिख रही है आपको सामने, ये चौकरंग है, इसकी ट्रैकिंग अल्टीमेट ट्रैकिंग है। और ये आपको ये पाना दिख रहा है, ये भी ट्रैक है, मतलब कि यहाँ से अंदर भी दो तीन ट्रैक है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक है। बाकी ये देखिए आपको मैं इस तरफ से स्किब्बा के लिए, और मैं अब रिब्बा पहुँचने वाला हूँ। और ये देखिए काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई रिब्बा में, काफ़ी गाड़ियाँ हैं आजकल, लोगों ने ली है। और ये देखिए दो यात्री हमारे यहाँ पर बैठे हुए अंदर, सबको हेलो और बाय बाय। देखो एक बालक चिल्ला रहा है। और ये देखिए यहाँ से ऊपर देखिए अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट इस चीज़ को देखिए जो आपके जूम करके दिए, ये कैलाश पर्वत है, किन्नर कैलाश। और यहीं से ऊपर जो जूम ही है अभी कैमरा, ये है शिवलिंग, जहाँ पर मतलब हम, ये देखिए सामने आपके चोटी पे ऊपर, ये देखिए ये शिवलिंग है जी, यहाँ पर सभी दर्शन करने जाते हैं, कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सकता। ये हमारा कैलाश रेंज है जो आपके बिल्कुल सामने है। और ये जो सामने सबसे ऊँची चोटी है, ये चौकरंग, और ये पाना, इसका ट्रैक आप अप्रैल में भी कर सकते हैं। बाकी थोड़ा और चलते हैं आगे, और ये देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा कैलाश पर्वत का। ये देखिए और लगभग हम अपने रिब्बा गांव पहुंच चुके हैं। रिब्बा गांव का स्टार्टिंग हो चुकी थी जो पहले मकान से। बाकी ये हमारा नज़ारा था, मैं इस वीडियो को छोटे करने के चक्करों में मैंने थोड़ा थोड़ा जो मेन पॉइंट जहाँ से सुंदर सुंदर दृश्य दिखते थे हरे परे के, वो मैंने कैप्चरिंग किए हैं। बाकी हम रिब्बा गांव के अंदर पहुंच चुके हैं, और ये हमारे रिब्बा गांव का शिव मंदिर भी दिखा देते हैं आपको। ये हमारे रिब्बा गांव का शिव मंदिर, ये देखिए काफ़ी सुंदर मंदिर है ये। हाँ, और आप सभी से निवेदन है कि 2022 की शिवरात्रि मनाने यहाँ रिब्बा शिव मंदिर पहुँचे। और ये देखिए हमारे शिव मंदिर, यहाँ से भी कैलाश के दर्शन होते हैं। थोड़ा मैं कैमरे को पीछे ले जाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए अति सुंदर दो पेड़ों के बीच में, ये देखिए कैलाश पर्वत है, किन्नर कैलाश। हाँ, बाकी मैं आप लोगों सभी से ये निवेदन रहेगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं गाँव के अंदर करूँगा जब भी मौका मिलेगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, बाकी ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ देखिए। हाँ, ये कोटेशन वाला ज़रूर पढ़िए, ज़िंदगी का मेन है,
जिसने भी लिखा है उसकी जय जयकार। ये देखिए, मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती, कर लो शिव की भक्ति, हर हर महादेव शिव शंभो। बाकी जय हिंद, जय दी फार्मर, जय किन्नर कैलाश।